हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको उन एकेडमी के बारे में बताऊंगा जो एकेडमी के साथ साथ स्कूल की भी सुविधा प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी क्रिकेट एकेडमी के बारे में भी बताऊंगा जो हॉस्टल फैसिलिटीज देती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हॉस्टल फैसिलिटीज वाली क्रिकेट एकेडमी पर वीडियो बनाओ। मैं कुछ टॉप 5 क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताऊंगा जो हॉस्टल सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। तो चलिए मैं आपको उनके नेम बताता हूँ। तो पहली क्रिकेट एकेडमी है कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट एकेडमी, इसे शॉर्टकट में KIOC कहते हैं। यहाँ पर 6 से लेकर के 25 साल तक के बच्चों का एडमिशन किया जाता है और ये कर्नाटका बैंगलोर में है। दूसरी क्रिकेट एकेडमी है VV क्रिकेट एकेडमी, ये क्रिकेट एकेडमी चेन्नई में है और आपको यहाँ पर 6 से लेकर 19 साल तक के बच्चों का एडमिशन किया जाता है। इसी तरह तीसरी क्रिकेट एकेडमी है वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी, ये क्रिकेट एकेडमी मुंबई में है और यहाँ पर 9 से लेकर के 17 साल तक के बच्चों का एडमिशन किया जाता है। चौथी क्रिकेट एकेडमी है लखनऊ क्रिकेट एकेडमी, ये क्रिकेट एकेडमी यूपी में है और यहाँ पर लास्ट 17 साल की एज रखी गई है, यहाँ पर 17 साल तक के स्टूडेंट का एडमिशन किया जाता है। और हमारी लास्ट क्रिकेट एकेडमी है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, देखिए ये क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में है। यहाँ पर उन्हीं का एडमिशन होता है जिन्होंने BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज मैचेस खेले हैं, यानी उनके एडमिशन नहीं होते जो BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज मैचेस नहीं खेले। तो चलिए मैं आपको इन एकेडमी की फैसिलिटीज के बारे में बताता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाएगी और आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे कोच मिलेंगे। यहाँ पर जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज है वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इन एकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैंने इन पर फुल वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम इन एकेडमी की हॉस्टल फीस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए अगर हम इन एकेडमी की फीस की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ हमेशा ही महंगी पड़ती है और एक साल में मेरे हिसाब से कोई भी क्रिकेट एकेडमी 20,000 से कम फीस चार्ज नहीं करती है। इसलिए अगर आप एकेडमी के साथ साथ हॉस्टल फैसिलिटीज भी चाहते हो तो या तो आप एक बार उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर या फिर खुद मिलकर के इन एकेडमी की हॉस्टल फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लें, क्योंकि अगर आप खुद से जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंडिया की कुछ टॉप क्रिकेट एकेडमी जो हॉस्टल फैसिलिटीज देती है, इनके अलावा भी बहुत सी क्रिकेट एकेडमी है जो हॉस्टल फैसिलिटीज देती है। तो चलिए मैं आपको अब उन क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताता हूँ जो स्कूल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। ये पहला है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल, देखिए यहाँ पर एकेडमी के साथ साथ स्कूल की भी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है। देखिए सहवाग ने एक क्रिकेट एकेडमी भी खोली है, एक इंटरनेशनल स्कूल भी खोला है। देखिए एकेडमी केवल बच्चों को क्रिकेट के बारे में नॉलेज देता है और यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल भी है और यहाँ पर क्रिकेट के बारे में भी नॉलेज दिया जाता है। दूसरी है वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, देखिए एक इंटरनेशनल स्कूल है जिसके अंदर क्रिकेट एकेडमी खोली गई है, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को क्रिकेट भी सिखाई जाती है। तीसरी है नीरजा मोदी क्रिकेट एकेडमी, देखिए एक नीरजा मोदी स्कूल है जो कि इसी के अंदर क्रिकेट एकेडमी खोली गई, यहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट सिखाई जाती है। चौथी है वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, देखिए इस एकेडमी के 4 ब्रांचेस है और यहाँ पर एकेडमी के साथ साथ स्कूल की भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। पांचवी और अंतिम क्रिकेट एकेडमी है KIOC यानी कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट एकेडमी, देखिए ये एकेडमी बहुत ही ज्यादा पुरानी है और ये बैंगलोर में है, यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ स्कूल की भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है। देखिए अगर आपको इन एकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इन पर फुल वीडियो बना रखी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इन एकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर एकेडमी की फीस और स्कूल की फीस दोनों अलग अलग लगती है, तो आपको यहाँ पर दोनों की फीस मिला करके एक साथ पे करनी पड़ेगी। तो ये थी इंडिया की कुछ ऐसी क्रिकेट एकेडमी जो हॉस्टल फैसिलिटीज और स्कूल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा भी इंडिया में बहुत सी क्रिकेट एकेडमीज है जो हॉस्टल फैसिलिटीज और स्कूल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको इन एकेडमीज के अलावा कुछ ऐसी क्रिकेट एकेडमी के नेम पता हो जो हॉस्टल फैसिलिटीज और स्कूल की सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो बस हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में आने वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। निकल कर गली गेड़े।